भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के एक अपराधी युवक ने सरेआम फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की घटना से लोग सकते में आ गए और सहम गए। मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के सरमसपुर गांव का है, जहां अपराधी वीरेंद्र मंडल उर्फ हग्गा ने विनोद मंडल और उसके परिवार पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि चार गोली फायरिंग की गई। गनीमत ये रहा कि गोली की फायरिंग चूक गई। हालांकि फायरिंग की गूंज से सरमसपुर दहल उठा। इस गोली कांड का लाइव वीडियो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे अपराधी दिन दहाड़े गोली तड़तड़ा रहा है। गोली चलाने वाला अपराधी वीरेंद्र मंडल उर्फ हग्गा अपने ननिहाल सरमसपुर में ही रहता है, जबकि उसका पुश्तैनी घर रमतुल्लापुर नाथनगर बताया जा रहा है। विवाद का कारण घर के पास रास्ते को बताया जा रहा है। मौके पर लोदीपुर पुलिस पहुंची और अपराधी को गिरफ्त में ले लिया। वही लोदीपुर थाना अध्यक्ष आर के झा ने कहा कि उचित जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कि हग्गा मेरे भाई से या भतीजा से पहले बतावती कर रहा था और वो अपराधी इतिहास का बार बार गली में जब भी गुजरता है तो वो गाली गलौज करते हुए जाता है। गली के बारे में कुछ से कुछ बकते रहता है और पी खा के चलते रहता है हमेशा। तो उसी क्रम में मेरा भतीजा उसको मना किया तो उसे उलझ गया। उलझने के बाद घर गया दौड़ के और दौड़ के उधर से फिर रिवॉल्वर लेके आया और हम भी बगल में सामने में आए तो मेरे ऊपर भी गोली चला दिया तो हम भी छिप के बच गए। तो बस जो मेरा फिर भाई था भाई के ऊपर भी चला गया। फिर भाई बचने के बाद फिर मेरा भतीजा भी उधर बाहर में ही था रोड पे तो उसके ऊपर फायर करते उसके ऊपर जो फायर किया तो उस गोली को छिपा तो दीवार में लग गया, दीवार में गड्ढा हो गया है। यानी गोली कितना फायरिंग हुआ है? चार गोली चलाया है। ये गोली तो नीचे गिरी उसका हाथ से झाड़ने के क्रम में और दीवार में भी तक दाग है। हाँ, आपके सीसीटीवी फुटेज में भी है? हाँ, मेरे सीसीटीवी फुटेज में भी आया है। तो क्या आगे क्या कार्रवाई हो रही है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी हम लोग एफआईआर करेंगे, केस करेंगे उसके ऊपर। तो अपराधी को पुलिस पकड़ के ले गई है? हाँ, उसी समय पकड़ के ले गई है। मामला हुआ यही कि वो लोग जो पीखा के रमाते रहता है गाली गलौज करके इस रास्ते में गली में चलते रहता है उसी में बोले तो हमने से वो उलझ गया और जो है कुछ देर के बाद वो आया आवेश में और घर से कट्टा निकाल करके चार फायरिंग किया उसमें तुम लोग बाल बाल बच गए और जो है गोली चला है। कहने का मतलब यह है किसके ऊपर गोली चला है? मेरे ऊपर चला और उसके बाद मेरा भाई बचाने गया तो उसके ऊपर भी फायर किया गया जो अभी दिमाग में दीवार में अभी दाग है गोली का दाग है। कौन चला है गोली, क्या नाम है उसका? वीरेंद्र प्रसाद मंडल उप हग्गा। कहाँ घर है उसका? वो अस्थायी रूप से तो भी है रमतुल्लापुर कल अस्थायी रूप से रह रहा है भागल यहीं सरमसेपुर में मामा के यहाँ रह रहा है और ननिहाल में रहता है। ननिहाल में रह रहा है। वही गोली जो चला इसका मतलब है कि वो अपराधी किस्म का है या कैसा लोग? नशेड़ी भी है, जोड़ी भी है, इस तरह से उसके धंधे रहता है। गोली चलाया तो पुलिस नहीं आई घटनास्थल? पुलिस कुछ देर के बाद आई, उसके पास फोन करके बुलाया गया तब पुलिस आई। तो अभी पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई है? पुलिस कार्रवाई अभी तो कहीं कोई चीज अभी बरामद नहीं किया उससे। हम लोग तो वहाँ खोद रहे थे। अपराधी जो था गोली चलाने वाला उसको पकड़ के ले गई पुलिस? हाँ, पुलिस ले गई पकड़ करके, हम लोग पकड़ के रखे थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी रविकांत पंजियारा उर्फ बबलू पंजियारा के 22 वर्षीय पुत्र विष्णु कुमार ने शुक्रवार की सुबह कोकरा नदी के पुल से रेलिंग पर चढ़कर नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद युवक नदी के उफनते पानी में समा गया। युवक के छलांग लगाने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें नदी में ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसकी सूचना पर स्थानीय आपदा मित्र पहुंचे और उन लोगों ने भी नदी में युवक की तलाश सुबह से शाम तक की, लेकिन कोई अता पता नहीं चल पाया। वहीं घंटों बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में जुट गई, लेकिन वो लोग भी युवक को नहीं खोज पाए। फिर जाकर काफी मशक्कत के बाद स्थानीय आपदा मित्र के लोगों ने उस युवक के शव को नदी से ढूंढ निकाला। बताया जा रहा है कि युवक एक दिन पूर्व ही वैष्णो देवी से पूजा करके लौटा था और किसी बात को लेकर माता पिता से कहा सुनी हो गई थी। इसी गुस्से में युवक ने नदी में छलांग लगा दी। बता दे, युवक की मां शिक्षिका है और युवक माता पिता का इकलौता पुत्र था। घटना के बाद माता पिता एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिला था कल ही हम लोगों को, एक आदमी डूब गया है। हम लोग पूरी टीम दल बल के साथ आए आपदा मित्र के, और बड़ी मशक्कत के साथ आज हम लोगों ने डेड बॉडी को बाहर निकाला है। 7 बजे पहुंच गए थे कल ही, और उसके बाद जो है लगातार हम लोग प्रयास करते हुए पूरे दल बल के साथ आज लाश को बरामद किए हम लोग। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भागलपुर को एक बड़ी सौगात मिल सकती है। केंद्रीय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना का सपना साकार हो सकता है। 2015 में 500 करोड़ की लागत से PM पैकेज की घोषणा की गई थी। उसमें अब यानी 8 साल बाद कहलगांव के मलकपुर अंतिचक में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाने को लेकर केंद्र सरकार ने बिहार के शिक्षा विभाग को स्वीकृति दे दी है। फिलहाल 205 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है। जिला प्रशासन भागलपुर डिटेल प्लान बनाकर शिक्षा विभाग के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजेगी। हालांकि आशंका है कि उक्त मसले पर श्रेय लेने का होड़ मचेगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि NDA बनाम इंडिया का मामला अगर सामने आ जाए तो मामला खटाई में पड़ सकता है। अब अगली खबर BEd कॉलेज के छात्रों से जुड़ी हुई है। भागलपुर के आसपास के क्षेत्र के सभी BEd कॉलेज के दर्जनों छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के कार्यालय ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंच गए। सभी प्रदर्शनकारी BEd के अपरिंग छात्र टीचर्स ट्रेनिंग भागलपुर, टीचर्स ट्रेनिंग औद्योगिक प्रक्षेत्र बरारी, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज धरैया, पूरनमल बाजोरिया, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नाथनगर भागलपुर के BEd के सत्र 2022-24 के फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं हैं जो CTET की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। प्रदर्शनकारी BEd के छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि हम लोग 2022-24 के BEd के फाइनल ईयर के छात्र हैं और हम लोगों को भी आगामी BPSC परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। साथ उन्होंने यह आवेदन महामहिम राज्यपाल, जिला शिक्षा विभाग पटना, भागलपुर के जिलाधिकारी के अलावे कई वरीय अधिकारी को सौंपा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि एक साथ भारी मात्रा में वैकेंसी निकलने से अच्छा है हर वर्ष वैकेंसी निकाली जाए, जिससे छात्रों को नियमित रोजगार मिलते रहे। उन्होंने कहा कि हम सभी प्रदर्शन कर रहे छात्र CTET पास है, साथ ही हम लोग करंट स्टूडेंट है, हमें आगामी BPSC परीक्षा में शामिल होने का मौका। हम लोग सर BEd सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, 2022-24 हम लोग का बैच है। हम लोग सभी कोई CTET पास है और हम लोग का बस आग्रह है सर से कि हम लोग आवेदन देने के लिए आए कि हम लोग को जो आगामी आने वाली भर्ती परीक्षा है, भर्ती जो होने वाली है, उसमें हम शिक्षक भर्ती में हम लोग को भी मौका दिया जाए, जैसे लास्ट ईयर भी अपियरिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया गया था। बस हम लोग की बस यही मांग है कि हम लोग को भी इस बार मौका दिया जाए। हम लोग बस यहाँ जिलाधिकारी ऑफिस आए हैं, यहाँ पर इनके माध्यम से हम लोग आगे शिक्षा विभाग को और आगे अपर सचिव महोदय हैं उनको, मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल महोदय को और एक मुख्यमंत्री साहब को, उन लोगों को हम लोग आवेदन देने के लिए आए हैं ताकि हम लोग की मांग पर थोड़ा विचार रखा जाए, संज्ञान में रखा जाए। BEd अंतिम वर्ष सत्र 22-24 के छात्र छात्राएं जो कि विभिन्न कॉलेजों में अध्ययनरत हैं, हम लोग यहां जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय शिक्षा सचिव को यह आगाह करना चाहते हैं कि BPSC के माध्यम से जो 2.0 के नाम से जो आगामी भर्ती परीक्षा आने वाली है, जो कि जिसकी सुन रहे हम लोग कि अक्टूबर या नवंबर में उसका विज्ञापन जारी होगा, तो उसमें हम लोग परीक्षा में बैठने का मौका चाहते हैं। और देश भर में जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें अपीयरिंग छात्रों को मौका मिलता है, और CTET जैसी बड़ी संस्था जो कि परीक्षा लेती है तो उसमें भी अपीयरिंग छात्रों को मौका मिलता है, लेकिन पूर्व में यहाँ STET की परीक्षा लिया गया, उसमें अपीयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया गया।
तो हम लोग और बिहार में भर्ती की जो परीक्षाएं होती है 5 वर्ष 10 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद होती है, इसीलिए अगर हम लोग छूट जाएंगे तो लंबे वर्षों तक छूट जाएंगे। इसलिए भाजपा के युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा भागलपुर पहुंचे। उनका यह आगमन बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार है। हालांकि भारतेंदु मिश्रा भागलपुर की ही रहने वाले हैं। भाजपा के युवा मोर्चा बिहार प्रदेश अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा का भागलपुर की धरती पर आगमन के बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला और अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया। अपने संबोधन में भारतेंदु मिश्रा बिहार सरकार की नाकामी पर जमकर बरसे। साथ उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने की बात कही और बीजेपी के कमल को इस बार भारी बहुमत से खिलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर टीम को मजबूत करना है, साथ ही बूथ कमेटी को भी काफी सक्रिय करना है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। युवा मोर्चा भाजपा बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनने के बाद आज ये मेरा पहला आगमन है भागलपुर। चूँकि मैं भागलपुर का ही मूल निवासी हूँ और यहाँ पे संगठन को खड़ा करना है और इस बार भाजपा कमल यहाँ 2024 में खिलाना है, उसी पर्पज से, उसी मकसद से आज मैं युवा मोर्चा के साथियों के साथ बैठक करने आया हूँ। निश्चित रूप से आप आधा चुनाव तो सोशल मीडिया पे होता है, निश्चित रूप से हम लोग शक्ति केंद्र पे, शक्ति केंद्र स्तर तक सोशल मीडिया वॉरियर्स की एक टीम तैयार करेंगे, शक्ति केंद्र स्तर तक अपनी टीम को बनाएंगे और बूथ कमेटी का विस्तार युवा मोर्चा इस बार करने जा रही है।